नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा YouTube चैनल टेक दुनिया में स्वागत है। मेरा नाम है प्रीतेश, आप देख रहे हैं टेक दुनिया। आज दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पज फैन बनाएंगे, जिसको आप चाहते हैं तो एक वॉल फैन भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहते हैं तो एक टेबल फैन भी कर सकते हैं, और दोस्तों इसको स्टैंड फैन भी कर सकते हैं। ये एक नया चीज है हमारे फैन में, जिसको एक ही फैन में तीनों फैन हो जाएगा। जैसे एक स्टैंड फैन हो जाएगा, वॉल फैन हो जाएगा और टेबल फैन भी हो जाएगा, पढ़ाई वक्त आपके काम में आएगा। और दोस्तों इस फैन को हम जो बनाए थे, इसको भी टेस्ट में क्या हूँ 12 घंटे टेस्ट करके ही हम इस फैन को आपके लिए बनाए हैं। और इसको क्या फर्क हुआ, इस फैन का क्या खराब हो गया, मैं बताऊंगा वीडियो में, इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू करिए, एंड तक वीडियो देखना। और दोस्तों ये जो वीडियो हम बनाए थे, जो एक रेगुलेटर लगाए हैं इस फैन में, वो रेगुलेटर खराब हो गया जब मैं 12 घंटा चलाया इस फैन को, और 12 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी को भी खत्म कर दिया मैं चलाकर। इसलिए दोस्तों आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि रेगुलेटर आप खरीद कर ला सकते हैं अमेजोन से, 300-400 रुपए इस लगभग पड़ेगा। आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हैं तो, नहीं तो आप नहीं करिए, ये रेगुलेटर नहीं चाहिए। ये एक डीसी फैन है और बहुत ही और भी ज्यादा थोड़ा दोस्तों बहुत ही विंड और भी ज्यादा चाहते हैं तो और एक ज्यादा आरपीएम में मोटर का यूज कर सकते हैं आप इस वीडियो में, मतलब इस फैन में। ओके, और बिना देरी के हम वीडियो छोड़ते हैं, चलिए। पहले दोस्तों आपको ऐसे ही एक प्लास्टिक चार लेना है, जिसको आप प्लाई उड़ के ऊपर रखकर ऐसे ही मार्किंग कर देंगे। इसको कट करना है, ये जो मार्किंग किए हैं अब दोस्तों कट करेंगे ऐसे ही, मैं जो ट्रिक बोल रहा हूँ ऐसे ही कट करना, परफेक्ट हो जाएगा, इतना भी अच्छे से गोल भी नहीं होगा। और अच्छे से घिस देने से सैंड पेपर से हो जाएगा, ऐसे ही कट कर देना है। इसको अब घिस देंगे सैंड पेपर से, अच्छे से सैंड पेपर से घिस दें। तो ये जो हम प्लाई उड को इसके अंदर डालकर देखेंगे, अच्छे से फिट ले रहा है नहीं रहे, अच्छे से परफेक्ट फिट ले रहा है। अब दोस्तों एक सोल्डरिंग आयरन के मदद से यहाँ पर ऐसे ही कैसे एक मैं गोल कर दिया हूँ और सैंड पेपर से घिस दिया हूँ। अब दोस्तों ऐसे ही एक पीवीसी पाइप कुछ लेंगे, इस पीवीसी पाइप को मैं कैसे होल कर दिया हूँ देखिए, और एक बड़ा वाला पीवीसी पाइप थोड़ा भी मैं होल कर दिया हूँ ड्रिल से, और ऐसे ही मैं कट करना है आपको, ऐसे एक कनेक्टर बनाएंगे इसे एक से कट कर दिया हूँ, होल भी कर दिया हूँ, एक छोटा वाला ये पीस भी कट करना है आपको। दोस्तों चलिए फिट करते हैं ये सब यहाँ पर रख के। अब दोस्तों ये एक हम जार लिए थे, इससे हम ढक्कन में एक भी होल भी कर दिए हैं दिखना अच्छे से, इसको सोल्डरिंग आयरन से होल करके खल कर दिए हैं। ओके, फिट करके। और यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्टर ऐसे इसके अंदर सेलो टेप कुछ लगा देकर, जो भी पाइप के टेप भी आता है लगाकर यहाँ पर सेटिंग कर देंगे, और यहाँ पर जो होल किए हैं इसमें एक नॉट बोल्ट भी दे देंगे। अब दोस्तों जो भी सारे प्लाईवुड से बचा था जो कट पीस यहाँ पर लगा देंगे, हम किल में ठक दिए हैं और फिट कर दिए हैं, जो कुछ बचेगा हम सबको रीयूज कर देना है। और ये पाइप को हम ऐसे ही किसे देखिए, मैं अच्छे से सेलो टेप इसके अंदर कर दिया हूँ, और इसके अंदर अब नॉट बोल्ट भी दे देंगे, फिट कर देंगे। और दोस्तों देखिए अब यहाँ पर कुछ स्लिट कट करना है ऐसे ही हमको, देखिए देखना कैसे मैं हैक से कट कर दिया हूँ और कट के हाँ कट कर दिया हूँ देखिए, इसको करेंगे क्योंकि हम पाइप में यहाँ पर एक क्लैंप लगाएंगे यहाँ पर। दोस्तों देखिए इसके अंदर हम फिट कर दिए हैं, दोस्तों यहाँ पर कट कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट को। अब दोस्तों एक ऐसे ही बटन लेना है, इसको कट कर देना है ऐसे ही, देखिए कैसे ऐसे कट कर देना है। आपके पास ऐसे बटन नहीं है तो एक पाइप भी यूज कर सकते हैं, पीवीसी पाइप बड़ा वाला, और इसको ऐसे ऐसे हिलेगा ना, इसलिए इस सिस्टम को हम बंद करने के लिए चाहते हैं, इसलिए इसको फिट कर देंगे इसके अंदर, डाल देने के बाद इसको लॉक कर देंगे, लॉक कर देने के बाद और नहीं हिलेगा, ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और एक पीवीसी पाइप यूज करने से बेटर होगा इसमें, बट इस ये थोड़ा ज़्यादा लुक अच्छा देगा। और ऐसे ही निकालना है जब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सिस्टम करना है। अब दोस्तों ऐसे ही एक क्लैंप लेना है, इसका क्लैंप आसानी से कोई भी ऑटोमोबाइल शॉप से मिल जाएगा, और ये 10 रुपये का आता है, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये एक और एक पाइप और एक क्लैंप इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों ऐसे ही एक छोटा पीवीसी पाइप लेना है, इसको कनेक्टर को हम फिट कर देंगे नट बोल्ट से ऐसे ही देखिए, और एक जो होल किए थे इसके अंदर डाल देंगे, ये इसका हमारा फैन मोटर यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों देखिए ऐसे एक पीवीसी पाइप लेने हैं, जिसके इसके अंदर अच्छे से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक ट्रिक हम आजमाएंगे, वो ट्रिक है इसको हम निकालना है, और निकाल के यहाँ पर जो कटर से ऐसे छिल देना है। आपके पास सैंड पेपर होगा, सैंड पेपर से छिल सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, और एक ड्रिलर में फिट करके भी सैंड पेपर से घुमा कर भी छिल इसको घटा सकते हैं इसका मोटाई, और इसको देखिए ऐसे फिट कर देना है इसके अंदर अच्छे से, बॉडी हो गया है। अब दोस्तों इसको कैसे स्टैंड करेंगे देखिए, कैसे हम स्टैंड इसको उठाकर कर रहे हैं, और क्लैंप में सारे कस दिया हूँ।
अब दोस्तों देखिए इसको हम टेबल फैन कर देंगे इसको प्रेस करके। और दोस्तों वॉल फैन करने के लिए इसके अंदर कुछ क्लैंप भी लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों देखिए एक लोहर के दुकान से आसानी से ये क्लैंप मिल जाएगा। यहाँ पर वैसे ही फिट करना है आपको स्क्रू के मदद से, और एक दूसरा तरफ भी अपोजिट साइड में भी करना है। अब दोस्तों ये कुछ स्क्रू इसके चारों तरफ लगा देंगे और अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये डिब्बी में चेंज कर दिया हूँ ढक्कन, क्योंकि वो खराब हो गया, फट गया है वो डिब्बी का ढक्कन, और एक डिब्बी का ढक्कन में जुगाड़ कर दिया हूँ। और कैसे क्लैंप सारे फिट कर दिया हूँ देखिए, और इसके चारों तरफ भी नट बोल्ट भी कस दिया हूँ मैं ड्रिल करके। और यहाँ पर दोस्तों ग्लू भी चिपका देंगे और कलर भी कर देंगे ब्लैक कलर। अब दोस्तों देखिए ऐसे ही कुछ तीन चीज लेना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक चीज 12 वोल्ट कनेक्टर और एक रेगुलेटर और स्विच इसमें हल कर देंगे। देखिए कटर से मैं कैसे कट करके हल कर दिया हूँ, ये स्विच को डाल देंगे इसके अंदर। और दोस्तों इसके बाद वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको नॉट से कस देंगे इसमें हल करके देखिए। और ICB मैं लगा दिया हूँ इसके अंदर, और ये जो 12 वोल्ट कनेक्टर को फिट कर देंगे। अब दोस्तों आप वायरिंग अच्छे से और एक वीडियो में बना दिया हूँ, आप जाकर आई बटन नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो IC हम लगाए हैं इसको, ये जो बिखरा पड़ेगा आप डायरेक्टली 12 वोल्ट जो कनेक्टर है इसमें लगा सकते हैं। ये तो ज़्यादा दिन भी वो IC हम लगा रहे हैं सिर्फ, बट ज़्यादा दिन भी काम नहीं करेगा, खराब आ जाएगा, क्योंकि ये पर तो 2 एम्पेयर आ रहा है ना इसके लिए। और एक आप IC भी खरीद सकते हैं अमेजोन से, 300-400 रुपये लगेगा। और हीट सिंक को हम फिट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए एक ये कैप था इसको हम लगा देंगे, और इसको ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देना है आपको। मैं नहीं कट कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं परमानेंट नहीं लगाना है, मैं उस रेगुलेटर को यूज नहीं करना है। और दोस्तों ऐसे ही कुछ वायर लेंगे, इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे मोटर के वायर में जो यहाँ पर आउटपुट आएगा। अब दोस्तों पहले इसको वायरिंग करेंगे, इसके अंदर इसको हम इंक्रीज कर देना है और इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों ये सारे वायर को इसके अंदर। जैसे मैं कैसे डाल रहा हूँ देखिए, ऐसे आपको डालना है। और दोस्तों आप जो रेगुलेटर हम लगाए हैं, इस रेगुलेटर जब भी खराब हो जाएगा आप अमेजन से एक 300-400 रुपीज में एक रेगुलेटर आ रहा है, आप उसको खरीद कर यूज करना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हैं तो, नहीं तो आप रेगुलेटर सिस्टम मत करिए। ये जो हम रेगुलेटर लगाए हैं अच्छे से नहीं काम करेगा इस मोटर के लिए, खराब हो जा रहा है ये रेगुलेटर सारे, जल जा रहा है। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके अंदर कैसे दोस्तों देखिए मैं हम फिट कर रहे हैं, ऐसे आपको फिट करना है ये वायर को। और दोस्तों इसमें कैसे स्लिट एक कट कर दिया हूँ, इसके अंदर हम इसको ढाल दिए हैं ये वायर को। और दोस्तों एक इसमें एक गांठ भी पका देना है, एक नॉट भी लगा देना है आपको, जैसे ये जब भी हम इसको ऊपर उठाएंगे नहीं कट जाएगा वो वायर, अच्छे से सुरक्षित रहेगा इसलिए। दोस्तों देखिए इसके अंदर डाल देना है हमको, फिट कर देना है ये वायर को निकाल के लिए मोटर के फिटिंग करने के लिए। और दोस्तों ऐसे कुछ जो PVC पाइप में दो स्लिट कट कर दिया हूँ पीस, इसके मैं कट कर दिया हूँ, इसके अंदर अच्छे से चला जा रहा है देखिए। ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे हम फिट करेंगे अच्छे से फिट हो जाएगा ये दूसरा PVC पाइप में। तो उसे देखिए कैसे फिट हो गया है, इसके अंदर दोस्तों डाल देना है। और जो हमारे अच्छे से भी फिट नहीं आ रहा है इसको, इसके अंदर कुछ हम सेलोटेप टेपिंग कर देंगे अच्छे से, जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे निकाला था एक पहिया, इसको हॉल करके ऐसे ही मैं बना दिया हूँ। आपके पास ये नहीं है तो और एक PVC पाइप आप यूज कर सकते हैं इसके बदले, एक बड़ा सा ज़्यादा डायमीटर का। और दोस्तों इसको चारों तरफ हम हॉल करके इसको हम इसके चारों तरफ जो है हम जाली बनाएंगे इसको देखिए, ये एक बनाएंगे। और एक वायर लेना है आपको, जैसे ही वायर सर्कल जैसे वायर को बना देना है, कुछ ऐसे वायर लेना है आपको इसके अंदर। कैसे हम जैसे देखिए मोड़ रहे हैं, देखिए मैं जैसे बना रहा हूँ आप देखकर ऐसे ही बनाने के लिए प्रयास करना। अब दोस्तों इसके चारों तरफ लपर देने के बाद इसको मैं हॉल करके सोल्डरिंग आयरन से इसके चारों तरफ घुसा देंगे सारे वायर को। ओके इसको देखिए जैसे कैसे दोस्तों हम घुसा दिए हैं, इसके घुसाने के बाद इसको थोड़ा मोड़ देंगे। ये दोस्तों देखिए सारे वायर को हमें ऐसे ही मोड़ देना है इसके चारों तरफ, इसको मैं कर देता हूँ फटाफट। अब दोस्तों देखिए कैसे ये बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही कुछ वायर हम कर रखना है, क्योंकि आप वीडियो के एंड में जान सकते हैं क्यों रखे हैं ये सारे वायर को एक्स्ट्रा हम। और दोस्तों कुछ कुछ वायर भी हम कट कर दिए हैं, कुछ कुछ रखना है। और दोस्तों देखिए कैसे रेडी हो गया इसको बनाकर। और एक ढक्कन लेना है ऐसे आपको, ये ढक्कन नहीं था PVC भी यूज कर सकते हैं छोटा वाला। और इसको अंदर चारों तरफ ऐसे है कि हमको बना देना है, देखिए कैसे मैं बनाया हूँ। इसके बाद इसके टॉप में इसको फिट करेंगे। ओके इसलिए ऐसे सारे एक्स्ट्रा वायर को रखे हैं इसको फिट करने के लिए। अब दोस्तों वायरिंग करेंगे ये मोटर के
वायरिंग कर देना है। आपको दिखकर मोटर कैसे रोटेट करेगा इससे ही आपको दिखकर बनाना है, उल्टा घुरेगा, उल्टा दूसरी तरफ घर सकता है ना मोटर, इसलिए आपको फिट करना है। इसके अंदर मैं देखिए कैसे ये फिट कर जाऊँ। और एक पंखड़ी हम लिए थे जिसको भी फिट कर देंगे, और ये टॉप में जो जाली बनाए हैं इसको भी फिट कर देंगे। दोस्तों ये जो फ्रेम हम फिट किए हैं टॉप में, इसके बाद ये सारे जो वायर को हम मोड़ देंगे जैसे आप फिट हो जाएगा। और जब भी फैन में मोटर में खराब आ जाए आसानी से इस वायर को मोड़ कर आपको निकाल सकते हैं वो टेप पंखड़ी को। और दोस्तों हम टेस्ट करके थोड़ा दिखेंगे, इसमें 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर दे दिए हैं, देखिए कैसे घूम रहा है, आपको दिख रहे हैं अच्छा से भी विंड दे रहा है। और दोस्तों इसके चारों तरफ ब्लैक टेप में कर दिया हूँ फ्रेम को, अच्छा आप कलर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं एक 12 वोल्ट सन किंग का एक 12 वोल्ट का डीसी आउट मतलब वोल्टेज हम देंगे इसके अंदर 12 वोल्ट का, और स्विच देने से अब देखिए दोस्तों कैसे घूम रहा है आप दिखना, और बहुत अच्छा भी विंड दे रहा है आपका 12 वोल्ट जो एक डीसी फैन लेने के लिए मार्केट में जाएंगे 1200-1300 इतने लगभग और भी ज़्यादा पड़ जाएगा आपको रुपीज, आप इसको बहुत कम पैसा में आप बना सकते हैं। और 5 मोटर भी यूज कर सकते हैं आप, और भी ज़्यादा RPM जितना RPM का मोटर यूज करेंगे इतना अच्छा भी विंड देगा। और दोस्तों देखिए इसका मजा लीजिए बनाकर घर पे। ये फैन टेबल फैन के रूप में है, और इसको भी स्टैंड फैन करेंगे, वॉल फैन करेंगे, सारे फैन भी करेंगे, ये एक मल्टी फैन है। अब दोस्तों इसका स्टैंड फैन का रूप देखिए, अब दोस्तों इसको वॉल फैन करने के लिए इस हम ढक्कन का उठाएंगे। दोस्तों देखिए कैसे उठा दिए हैं, और इसको ऐसे फोल्डिंग कर देना है, फोल्डिंग करने के बाद इससे नीचे इसको वॉल में भी बिठा सकते हैं। और दोस्तों इसको भी थोड़ा देखिए ये भी पंखड़ी को जो भी मोटर है उसको भी हम फोल्ड भी कर सकते हैं, देखिए नीचे हो गया और भी ऊपर उठा सकते हैं। दोस्तों देखिए कैसे ऊपर नीचे हम कर पा रहे हैं, ऐसे आप ऊपर नीचे भी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए एक कील को हिट करके इसके अंदर हम घुसा दिए हैं, देखिए कैसे इसको फिट कर देने से और सुपर ग्लू यूज करने से खराब हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हॉट ग्लूंत को उसके बारे में नहीं पूछिए। और दोस्तों इसमें एक और के बड़ा बहुत बड़ा कील को हम इसके अंदर हीट करके भी घुसा दिए हैं, और एक भी नॉट बोल्ट यूज कर सकते हैं, आपको हीट नहीं करना है तो एक ड्रिल भी कर सकते हैं, ये फिट हो गया अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया। और दोस्तों देखिए नहीं गिरेगा। और दोस्तों इसमें एक कील लगा है हमारे वॉल में, इसको हम वॉल फैन कैसे करेंगे इससे नीचे इसके अंदर घुसा देने से देखिए कैसे वॉल फैन हो गया, हमारा वेंटिलेटर हो जाएगा, ये जो उससे बहुत ही फ्रेश एयर ये वेंटिलेट करके ऑब्जर्व करेगा, बहुत ही अच्छा एयर देगा। और दोस्तों इस तरह भी आप फिट कर सकते हैं, और इस तरह भी आप इसका विंड का मजा ले सकते हैं। और देखिए जैसे कैसे तेज विंड दे रहा है देखिए थोड़ा। बार दोस्तों मैं इसका मल्टी रूफ दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको हम स्टैंड फैन कर दिए हैं, और इसको ये जो क्लैंप आपके मर्जी के हिसाब से टाइट कर सकते हैं। और दोस्तों इसको हम वॉल फैन कैसे करेंगे, इसको लॉक को उठाने के बाद ऐसे ही आपको कर देना है, करने के बाद लेकर इसको वॉल में आपको कील जहाँ पर लगा होगा आप आसानी से लगा सकते हैं, और निकाल भी सकते हैं आसानी से, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे इस लग रहा है लुक, और अच्छा लग रहा है ना, आप कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगले सैटरडे 9 बजे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।